आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इसका सक्सेसफुली कंट्री का नाम है रोमानिया का, एमबीबीएस का वीजा आया है। तो ये स्टूडेंट रोमानिया से एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपना जो वीजा है एम्बेसी से रिसीव कर लिया है और आई थिंक सो एक दो दिनों में ये ट्रेवल करेंगे। इनसे हमारी कंप्लीट डिस्कशन रहेगी, इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और प्रीवियस एक्सपीरियंस इनका अनदर कंसल्टेंटों के साथ कैसा रहा है, ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन रहेगी इनके साथ। सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार भैया। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिर्फ आपकी स्टेट पूछूंगा, कौन सी स्टेट के हैं आप? दिल्ली से हूँ भैया। ठीक है, दिल्ली से। तो हमें कहाँ से कांटेक्ट किया था आपने? भैया ऐसा हुआ कि हमने पहले रशिया के लिए अप्लाई किया था और मेरी बेटी का टॉप यूनिवर्सिटी में रशिया में एडमिशन भी हो गया था ठीक है, और मतलब टिकट भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था, पैकिंग हो गई थी। लेकिन किसी मैं एक्चुअली क्या है कि मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, ठीक तो है, मेरे स्कूल में टीचर ने बताया कि रशिया को छोड़ के आप स्पेन भेजो अपनी बेटी को, ठीक वो है, ज्यादा बेटर रहेगा यूरोपियन कंट्री में अगर बेटी जाएगी तो। ठीक है, ऐसा हुआ कि फिर हमने रशिया का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जबकि एडमिशन हो चुका था। फिर हम स्पेन के लिए ट्राई करने लगे और स्पेन में हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फीस भी हमारी चली गई 7.25 लाख के आसपास। हाँ। अभी आप आई थिंक सिंगल विक्टिम नहीं है स्पेन के नाम पे। देयर इज ए नंबर ऑफ विक्टिम जिनके साथ जो स्पेन एमबीबीएस के नाम पर स्कैम हुआ है। क्या मैं राइट हूँ, ऐसा ही हुआ है? ठीक, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही हुआ भैया। जो आपने अपनी फीस भी भेजी है वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में पोलैंड में भेजी होगी, जाना स्पेन में, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यूनिवर्सिटी में फीस नहीं गई है हमारी, उन्होंने कहा कि ऐसे फीस भेजो आप तो हम यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। तो अभी ये बताइए कि टाइम कितना वेस्ट हुआ उसके ऊपर, पहले स्पेन के ऊपर आपका? पूरा 1 साल चला गया भैया। जैसे जुलाई में ही हमने उनसे कनेक्ट हुए थे, हम कांटेक्ट किया था, लेकिन वो ये बोलते रहे कि सितंबर में चली जाएगी, अक्टूबर में चली जाएगी, नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे बोलते बोलते पूरा ईयर निकाल दिया। ठीक फिर है, हमने मई में ड्रॉप ही कर लिया। तो अभी आपने स्पेन में कितने पैसे भी वेस्ट किए? एक तो साल वेस्ट हो गया, पैसे कितने वेस्ट हुए? पैसे 7.5-8 लाख के आसपास लग गए हमारे। नहीं, अभी पैसे वापस मिले हैं या नहीं मिले हैं? नहीं, 1.5 लाख रुपया वापिस आया है, पर कंफर्म नहीं है कि पूरी फीस वापिस आएगी या नहीं आएगी। नहीं, वो देखो आपने पैसे दिए, वो क्या कह रहे हैं जो एजेंट्स हैं? वो तो यही कह रहे बार बार है कि मिलेंगे, आपने ऑन रिकॉर्ड दिया है तो पैसा मिलेगा। नहीं, वो जो कंपनी है वो गुड़गांव की है, कहाँ की है? गुड़गांव की है भैया। ठीक। तो आपको मालूम है कि उसने और भी बच्चों के साथ ऐसा किया है? हाँ, बहुत बच्चे हैं हमारे जैसे, ओ माय गॉड। बहुतों के तो साथ अभी हुआ है ऐसा। हाँ, ये बड़ी अभी स्पेन के प्रॉब्लम के बाद फिर रशिया का काम स्टार्ट किया था, का पहले किया था? नहीं, पहले रशिया का था, अच्छा, एडमिशन हो रशिया। चुका हाँ, था हमारा। रशिया में कितने पैसे आपने वेस्ट कर दिए हैं? मतलब एडमिशन भी आ गया सारा कुछ, वहां पर भी पैसा तो वेस्ट हुआ होगा। ठीक नहीं, वहां बस एजेंट ने ही पैसे लिए थे हमारे से और है, वो मतलब वापिस कर दिए थे, क्योंकि एक्चुअली चंडीगढ़ से थे वो और चंडीगढ़ ही भाई रहता है, ठीक तो है, अच्छा था। बस हमारे टिकट के पैसे वेस्ट हुए थे रशिया के। हाँ बाकी सारे पैसे वापस आ गए। जी, बाकी आ गए थे, जो टिकट है 38,500 की हुई थी वो हमारे चले गए थे। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारी कंपनी के बारे में। अभी दो चीजें आपके साथ हो गई, रशिया भी हो गया, स्पेन भी हो गया, तो हमें फिर कहां से फाइंड आउट कर लिया आपने? जैसे हम स्पेन के एम्बेसी में मिले थे, करनाल से और भी हमारे जानकार हैं, तो इस के पापा जी हैं, तो हम वहाँ पे इकट्ठे मिले थे वहाँ पे, तो तब से हमारा आपस में डिस्कशन चल रहा था। तो वो क्राउन से करवाना चाहते थे अपने बेटे का एडमिशन रोमानिया में, तो फिर हमसे बात हुई तो फिर हमने सोचा कि हम भी आपके थ्रू चले जाएं। अच्छा। तो आपने उसके बाद, चाहे किसी ने भी हमारा रेफरेंस दिया, उसके बाद क्या हमारी क्रेडेंशियल भी चेक की, हमारी कंपनी के बारे में भी चेक किया कि बस जैसे स्पेन में पैसे फंसा दिए थे, उधर स्पेन चले गए, उधर रशिया में डाल दिया, अभी हम रोमानिया में डाल दें, क्या आपने क्रॉस चेक भी किया हमें एंगेज करने से पहले? नहीं, सही बताऊं तो हमने ज्यादा किया नहीं, क्योंकि हम तो इसके पापा के विश्वास पे ही चल रहे थे। वो करनाल
करनाल से ही है और आपका ऑफिस भी करनाल में ही है, तो वो आप कभी जानते थे। कभी आप हमें मिले हैं? मैं एक ही बार आई हूँ कहां पे, करनाल में या दिल्ली में? करनाल करनाल में। में। तो आपको ट्रस्ट कैसे आ गया कि ये काम कर पाएंगे, जैसे आपने वहां पर भी पैसा 7.5 लाख रुपया भेज दिया, और आपको मालूम है कि इस प्रोफेशन के अंदर कितनी चीटिंग है, लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। आपने वो आपको भी थोड़ा था कि हाँ मैं चेक कर लूं यार, मेरे साथ तो आगे बच्ची का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उधर पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, क्यों ना अभी कुछ चीज चेक करके ही इनको केस दिया जाए। नहीं एक्चुअली मैंने इतना कुछ देखा नहीं, क्योंकि हम बहुत भगवान को मानते। सही बताऊं ना मैं आपको, हर मैं ये नहीं महीने मानता, भगवान को नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन साथ में एफर्ट जरूर करने चाहिए। अगर आप एफर्ट अपने लेवल पर करें, जो आपने 7.5 लाख रुपया कंट्री सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत की है, आपके लाखों रुपए बचते, आपकी बेटी का टाइम बचता, वो अगर आप ये जी हाँ रिसर्च जी अगर आप ये रिसर्च गूगल के ऊपर करते हैं, लोगों की वीडियोस वॉच करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। चलो एनी हो, तो अभी मैं पूछना चाहूंगा कि बेटी का वीजा आ गया? हाँ जी बेटी का वीजा आ गया है ठीक है, और तो वो कल जा रही है। चलो बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि रोमानिया एम्बेसी भी बच्चों को रिफ्यूज करती है वीजा? हेलो, अभी मैं ज्यादा नॉलेज तो इस बारे में नहीं रखती हूँ, पर दिल्ली सुना है गए? कि जो यूरोपियन कंट्री है वो थोड़ा हाँ सा बहुत देख के ही वीजा देती है, रिफ्यूज ठीक है ठीक है, कर देती है। हाँ कर देती, चलो एनी हो। तो अगर हमारे साथ आप चले हैं, आपकी बिटिया का एडमिशन ना आता बाई चांस, आपकी बिटिया का एडमिशन आने का वीजा रिफ्यूज हो जाता, तो तब आपकी सिचुएशन क्या होती? तो फिर बहुत बुरी सिचुएशन होती नहीं मतलब किस टाइप की, वैसे। क्या फिर क्या करते आगे, आगे क्या करते कि चुप करके बैठ जाते, जहां बच्ची को यहां पर एडमिशन दिलवा देते, जहां आप कहते कि सर आगे देखिए अभी क्या करें? नहीं सर मैं बताऊं तो हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम बच्ची का साल हमारा जो पीछे खराब हो गया है उसी में थोड़ा हमें ये लग रहा है कि उसका साल खराब कर दिया। हम साल तो उसका नहीं खराब करते, मतलब कहीं ना कहीं जरूर ट्राई करते, और पैसे तो क्या आनी जानी चीजें हैं, हाँ वो वो क्या जाएंगे। मैं वही पूछना चाहता हूं कि अगर अगर ये सेम अभी फिर दोबारा होता, चलो वैसे वीजा रिफ्यूज कर देती, तो फिर क्या करते? हाँ मैं जी ये फिर क्या हम करते कि फिर भी ट्राई करते, हम अपनी बेटी के लिए फिर भी ट्राई करते। एक ट्राई कहाँ के लिए करते, हमारे थ्रू करते या कंसल्टेंट को चेंज करते या अनदर पर्सन को ढूंढते? नहीं आपके थ्रू भी कर लेते हैं कि भाई वहां पे नहीं लगा हमारा वीजा, मतलब उस यूनिवर्सिटी में, तो दूसरी कंट्री के लिए ट्राई करो, अच्छी तो यूरोपियन कंट्री के लिए, किसी के भी लिए। जो अब जब आपने स्पेन का केस दिया था, आप भी साथ में जाती थी बिटिया के साथ उनके एजेंट्स के ऑफिस में, या इनके फादर जाते थे? ऑफिस में तो मैं कभी गई नहीं हूँ सर, पर वहां पे एम्बेसी गई हूँ मैं बेटी के साथ। अच्छा, तो कभी एजेंट से मिले थे स्पेन वालों? हाँ बिल्कुल मिले हैं, घर भी आए थे वो। हाँ अच्छा, घर तक आ जाते हैं? जी हम आए कभी आपके घर में, हमारा ऑफिस का कोई स्टाफ? नहीं, आप नहीं आए हो घर पे। चलो, आपने दो कंसल्टेंटों की सर्विस ली है, रशिया की भी ली है, स्पेन की भी ली है, हम में और उनमें कुछ फर्क लगा? हाँ फर्क तो है ही, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी बेटी का वीजा हमारे हाथ में है, तो इससे बड़ा और क्या ही प्रूफ होगा हमें। वीजा नहीं, वीजा को छोड़ दीजिए, वीजा अपार्ट फ्रॉम वीजा, अगर वीजा को हम कहते कि नहीं भी आता, फिर भी मैं ये बताऊं कि क्या आपको कोई फर्क लगा हमारी सर्विसेज में, हमारी ट्रांसपेरेंसी में, हमारे वर्किंग स्टाइल में? मैं ये पूछना चाहता हूं आप। हाँ बस ये है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी रही है वहां, जैसे उन्होंने कहीं अपनी कंपनी में पैसा ले लिया है, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में फीस पे की है जो कि हमने खुद देखी थी आके। हाँ हाँ, मैं एक, क्योंकि आपने खुद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाली थी, मैं बच्चों को जी इस वीडियो के थ्रू भी बताना चाहता हूं, कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल चेक करें, वो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, और कोशिश करें फीस डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट के से या पेरेंट्स के अकाउंट से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करें, नोट टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को फीस ट्रांसफर करेंगे तो सेम सिचुएशन आएगी जो इनकी है अभी, 7.5 लाख रुपए, इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो जब आपने स्पेन का केस उनको दिया था, आपने उनको एडवांस पैसे कितने दिए थे?
वैसे तो उन्होंने मतलब 50,000 के आसपास लिए थे हमसे, 50,000, ठीक है, फाइल वाइल के लिए। मैं हाँ समझ जी, गया, मैं समझ गया। जब आपने रशिया का केस अपना दिया था एमबीबीएस का, तब कितने पैसे दिए थे? रशिया वालों को भी पैसे तो दिए होंगे, कुछ ना कुछ ये लीजिए, एडवांस काम स्टार्ट करिए। हाँ जी, 10,000 रुपये ही दिए थे उनको। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम उनके बाद। उन्होंने फ्रांस, स्पेन, अपना रशिया वालों ने बाकी पैसे कब लिए थे आपसे? रशिया में सर पैसे नहीं दिए, क्योंकि फीस वहां जाने के बाद पे होनी थी यूनिवर्सिटी की, मैं वही ऑफर क्या, लेटर आ गया था। एजेंट ने कोई पैसा लिया होगा वीजा के लिए कि हाँ वीजा स्टैम्पिंग करवाना है, या अभी वीजा आ गया, ये सर्विस चार्जेस हैं डॉक्यूमेंटों के नाम पे या फलाना नाम पे, ऐसे पैसे लेते हैं ना, वो लिए थे? नहीं सर, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, 10,000 रुपये ही दिए थे। बस यही बात हो रखी थी कि जैसे ही सब कुछ हो जाएगा पैसे दे देंगे, एक फेथ ही चल रहा था, इसीलिए मैं उनकी भी तारीफ कर रही हूँ। वहां से नहीं, ड्रॉप हमने ही किया था, नहीं उन्होंने दस नहीं हजार हमारा किसी नहीं, काम नहीं का मान गया, गड़बड़ की। लेकिन 10,000 के बाद आपने को वीजा भी स्टैंप करवाया? वीजा लगा था पासपोर्ट पे कि नहीं लगा था नहीं जब? नहीं नहीं वीजा नहीं लगा था, वीजा नहीं लगा था। अच्छा, तो फिर टिकट आपने कैसे बनवा ली? अगर वीजा नहीं लगा था तो टिकट बनवा ली, टिकट तो बनती नहीं है जब तक वीजा नहीं आता। वो ऐसा था कि मतलब वो बाद का प्रोसेस था, उन्होंने कहा था कि वहां जाके वो यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी और टॉप यूनिवर्सिटी थी, ये बोल रहे थे। टेस्ट बच्चे का वही होगा यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, पहले बच्चा टेस्ट देगा वहां पे और उसके बाद एडमिशन होगा, नहीं मैं ये मान गया, डिस्कशन चल रही थी। डिस्कशन चल रही थी कि मैं वही कह रहा हूँ कि चलो डिस्कशन यही चल रही थी, लेकिन अभी बच्चे ने ट्रेवल करना है कंट्री में, उसका वीजा भी हाँ आना जी, चाहिए था, कोई वीजा आया था, हमने टिकट बनाई थी, नहीं सर टिकट पहले ही हो गई थी, वीजा नहीं आया था। तो वहां पर भी कुछ था कोई हम आज तक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जब तक वीजा ना, पहले एडवांस में टिकट बना ले। चलो एनी हो, मैं उनका भी प्रेज करूंगा, उन्होंने बड़े ट्रांसपेरेंसी से 10,000 में काम किया आपका, 10,000 रुपया लेकर, लेकिन आपने कहा कि टिकट के उन्होंने 30,000 रुपया काट लिए। हाँ वो टिकट बाकायदा हमारे पास भेजी थी, 38,500 की थी। चलो एनी हो, मेरे हाँ अकाउंट मैं समझ गया वो बात। तो ऐसा है कि मैं यही चाहता हूं कि कहीं पर भी केस देना है आपने, तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे उनको? नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट नहीं हुए थे हमारे, नहीं, आपने एजेंट को भी नहीं दिए थे? तो नहीं दिए थे सर। स्पेन वाले को? हाँ स्पेन वाले को तो दिए थे, क्योंकि ये पोस्टाइल होके आने थे, सारी मार्कशीट अच्छा, पोस्टाइल करवा दी थी, सब कुछ करवा अभी दिया था। हमारे हमारे ऊपर आते हैं, तो आपने जब हमें केस दिया था, हमने आपसे एडवांस कितने पैसे लिए थे? 15,000 रुपये लिए थे उसके बाद फिर कितने पैसे लिए जब एडमिशन आया? एडमिशन के बाद, फिर 15 लिए हैं। तो मैं इस वीडियो में फिर, आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे हमने कभी? कोई पासपोर्ट कहो कि एकेडमी भी हमें ओरिजिनल देकर जाओ, पासपोर्ट भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ आपने नहीं लिए थे, पोस्टाइल होके ही, बल्कि पोस्टाइल भी हमने खुद ही करवाए थे, दिल्ली से थे हम तो वहीं पे खुद ही करवाए थे हमने। तो आपने जो वीजा फाइल सबमिट की खुद की एम्बेसी में, पासपोर्ट हाँ जी, बच्चा गया था खुद। आपने खुद कलेक्ट किया वीजा स्टैंपिंग के बाद, हाँ जी, हाँ जी, खुद ही लेके आए हैं। उसके बाद फिर हमें पेमेंट देनी थी आपने, यही था? हाँ जी, हाँ जी, बस अब पेमेंट बाकी है, जो कि आज करेंगे पेमेंट आज बाकी करेंगे। की। हाँ देखिए मैं इस वीडियो में जी, फिर बता दूं कि आप उस कंसल्टेंट को हायर करने की कोशिश करें जो टोटल ट्रांसपेरेंट हो, उसकी टर्म एंड कंडीशन जरूर आप चेक करें। 50,000 रुपया जस्ट उन्होंने, ये स्पेन वालों ने सिर्फ एडमिशन के नाम पे नहीं, एंगेजमेंट फीस ले ली 50,000 रुपया, उसके बाद भी इन्होंने 50,000 रुपया, इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, उसके बाद भी इनसे चीटिंग की गई, 7.5 लाख रुपए की फीसें भिजवाएंगी, फिर भी रिजल्ट नहीं मिले। पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखा बच्चा है, पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे जो गलत लोग हैं मार्केट के अंदर, वो अच्छे लोगों का भी जो बिजनेस है स्पॉइल करते हैं। तो अच्छे लोग भी मार्केट के अंदर बहुत हैं जो काम करने वाले, जैसे रशिया वाला एजेंट है, उसने इनका बहुत अच्छे तरीके से काम किया, सिर्फ 10,000 लिया था। तो टिकट क्यों बना ली उसके बारे में नहीं मैं अभी बता पाऊंगा कि क्या चक्कर है उसके अंदर, तो सिर्फ एक इनके टिकट के पैसे खराब हुए हैं। तो ऐसे लोग भी काम करने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो अभी ये देखिए कि ये बच्ची वहां पर पढ़ने के लिए जा रही है, ये कितनी फीस आपने भेजी है यूनिवर्सिटी को साल की रोमानिया के अंदर? 8,500 यूरो है सर। 8,500 यूरो। तो अभी जाने से पहले हमारी एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की सारी इंफॉर्मेशन दीपक से ले लेनी है अपने, सॉरी अपना प्रदीप से। प्रदीप आपको हाँ सारी जी, इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि
कैसे आपने यहाँ से ट्रेवल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, कितने पैसे कैरी करने हैं, एवरीथिंग की ट्रेनिंग लेने से पहले डिपार्ट करना है। ऐसा नहीं कि वीजा आ गया चलो ये ट्रेवल करें, वहां जाने के बाद वो कुछ पूछे तो आपको पता ही ना हो क्या क्या है। अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपकी ईमेल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए बिफोर ट्रेवलिंग टू रोमानिया। तो वो आज मिलेगी शायद सर, आप देंगे वहां जब पैसे पेमेंट कर देंगे मैडम पूरा। सारा कुछ देंगे वो, आप प्रदीप जी से कोऑर्डिनेशन रखें, हम सब बच्चों को वो कोऑर्डिनेशन प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक है ठीक है। है, इमिग्रेशन वाले आपसे क्या पूछ सकते हैं आइदर इन इंडिया या वहां जब पहुंचेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कल ठीक वहां है। पर बच्चे ने खुद सारी चीजें फेस करनी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? आपकी टीम के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहे हम। एक दो बार जब भी बात होती थी, कोई भी क्वेरी होती थी, तो ज्योति मैम पूरी हेल्प करती थी, दूर कर देती थी जो भी हमारी मतलब परेशानी आती थी माइंड में। और मैं को तो ज्यादा डिस्टर्ब हुए ही नहीं हम, ये था कि हाँ आपकी बार तो लगना ही है हमारा वीजा। और श्री जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सब कुछ ठीक भी हो गया। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा है कि मैं अभी ये भी भगवान से प्रेयर करूंगा कि ये जल्द से जल्द अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करे सक्सेसफुली, तो अच्छी एक डॉक्टर बने। कल आपने ट्रेवल करना है तो आपके भी वीजास ऑर्गेनाइज किए जाएंगे क्राउन इमिग्रेशन के। ठीक ठीक है जी, हमने भी करवाने हैं दोनों ने। है, हम करवाएंगे उनका दोनों का। तो बाकी मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूं, अगर आपकी डेस्टिनेशन एमबीबीएस इन रोमानिया की है, अगर आप वहां पर एमबीबीएस या जनरल स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो हमारी तीन डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन रोमानिया, एमबीबीएस इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर डिसीजन लें। तो मैडम फिर इसको क्लोज करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।